नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण डेढ़ माह के बच्चे की मौत हो गई। पीजीआई पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ा। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कैथल एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के कारण एक घर का चिराग बुझ गया। जानकारी के अनुसार गाँव के ब्राह्मणी वाला निवासी शाहिल के डेढ़ माह के बेटे विहान को 13 सितंबर को बुखार होने के कारण कैथल के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बच्चे की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया। उसके साथ ही चिकित्सकों ने सलाह दी थी कि बच्चे को पीजीआई जाते समय ऑक्सीजन अवश्य लगाई जाए। साहिल ने बताया कि उन्होंने एक निजी एम्बुलेंस को 2800 रुपये में किराए पर लिया, जिसका किराया 2800 रुपये था। एम्बुलेंस चालक ने कहा था कि उसकी गाड़ी में ऑक्सीजन की सुविधा भी है। पिहोवा पहुँचते ही ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया और बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। गाड़ी में दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था नहीं थी। परिजनों ने अंबाला पहुँच करके भी एम्बुलेंस चालक को कहा कि आप ऑक्सीजन का इंतजाम कर लें, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने उनकी एक भी नहीं सुनी और बच्चे को पीजीआई पहुँचने से पहले ही मौत हो गई। वहीं कैथल पहुँचने के बाद परिजनों ने जब हंगामा किया तो एम्बुलेंस चालक गाड़ी को वहीं छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया। परिजनों ने मामले की शिकायत सिविल लाइन पुलिस को दी है और एम्बुलेंस चालक को उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। कुमार जी, क्या हुआ था बताएं? बच्चे को बुखार हुआ था जी, बुखार करके कल थोड़ा छाती में रुकावट सी हुई थी। हम दिल्ली हॉस्पिटल में लेके जी, वहाँ से आकर मैं बोल लूँ कि भाई घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, अभी पूरा आया कि था। हम लोग बच्चा मारा हो लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर सवेरे 8 बजे तक पहले डॉक्टर आए, वो बोले भाई नुका ऐसे ऐसे करके नुका ना तो कोई घबराने वाली बात भी को नहीं है, और भाई बस की बात को नहीं, मैं ऐसी बात करी थी पूरी खुलकर कौन बात होता है, बता हम यहाँ तक जल्दी ले जाओ। जबकि मेरा चल के 8 बजे बग जाते जी, बच भी जाता जी लड़का, सवेरे 8 बजे गई उनती 10:15 बजे जी कहा जी दोबारा भाई नुका घर तब ला लो किसी ने, जिस सवेरे खुलकर बात कह देंगे मैं सवेरे ले जाता जी, चल मैं कैसे भी ले जाता जी। फिर अपने रास्ते में जानते जी, हमने यहाँ तो बोले मैं भाई ऑक्सीजन के बिना बच्चा रह नहीं सकता, वो डॉक्टर भी बोले वहाँ पर भाई ऑक्सीजन लगाई उसका, देखी जी डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाई जी, उस टाइम ऑक्सीजन थी जी, सुन के देखी जी उसने। फिर रास्ते में रहे जी हम, रास्ते में पता नहीं जी कहाँ तो इसकी ऑक्सीजन खत्म हुई कहाँ नहीं हुई जी। रास्ते में बच्चे ने 2-3 झटके लिए जी, मैं बोले भाई था मैं भाई देख इसका झटके जान लगे रहे माँ, भाई बोले नुका इसका दौरे हो गए भाई, मतलब कोई बात नहीं। फिर इन्हें थोड़ा लंबा हाँ कुना हाल नहीं कराया, मैं बोले भाई माँ ज़्यादा दिक्कत होगी भाई का, तुम आता तो भाई गाड़ी में तोड़ा कर ले, अरे नहीं भाई मारो रोका कर डॉक्टर डॉक्टर की दुकान पर मैं पूछवा कर ले नुका, ये पूरा डॉक्टर की दुकान तक नहीं नुका रहा, मैं कह मैं इसका अंबाला नोट दिमा ने कहा इस भाई माँ मेडिकल लै गया बोला तो इन्हें पूछ ले, इन पर थोड़ी बनी गैस गुस होगी जी, मैं हाँ बच जाएगा बच्चा नहीं बोले ना उनका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गए होंगे इनका नो कहते बाद में गैस जन से पूछ ली सिलेंडर वाले ट्रैली पर जाती। तो कहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि गैस खत्म हो? नगड़ जी, नगड़ पहुँचे थे जी मैम, वहाँ जाकर हमने चेक करी जी, उस तक दिखाया जी गाड़ी वाले थे तो गाड़ी में थे, नहीं बोले मैं गैस तो खत्म हो ली, मैं बोले दूसरा सिलेंडर लगा दे वो दूसरा में भी कौन नहीं जी। फिर मैम गए जी चौंक पर पहुँचते जी, वहाँ बोलते मैं भाई तुम तैर दे मैं मैं बैठ गए ले जाऊँगा बच्चा ने, बोलने को ना मैंने गाड़ी करके चलूँगा गाड़ी बना के ले आऊँगा मैं दूर और थाना दूर अंदर ले जाऊँगा, बस अंदर गए जी नहीं बोले भाई नुका 30 सेकंड की कसर रहेगी जो 30 सेकंड पहले था हम बैठ बूझ कर ले जाने बच्चा ने नुका बच जाना नुका बच्चा मैं सुना थूथ लगाया जी, बोले भाई कुछ नहीं है अभी इसमें। एम्बुलेंस वाले का क्या कहना है? एम्बुलेंस वाला तो ये कह रहा है जी नुका भाई सिलेंडर था जी नुका, इसमें गैस तो थी नुका, मैंने कल बनवाई थी, कल की बनवाई हुई गैस थी, आज इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगी जी। सिर्फ एक सिलेंडर था उसके पास? नहीं दो सिलेंडर है जी, एक खाली है जी, एक में थोड़ी गैस थी जी, मैं एक घंटा चली है जी गैस, घंटा तो चली भी नहीं जी। एम्बुलेंस में एक बच्चे की मौत हुई, क्या मामला था जरा आप बताएंगे? ये जी विहान लड़का है डेढ़ माह का, जो साहिल का लड़का है और ब्राह्मणी वाला गाँव से, कल 13 तारीख को इसको बुखार हो गया था, जिसको इलाज के लिए यहाँ दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था उन्होंने, तो आज सुबह इसकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी, डॉक्टर साहब ने इसको रेफर कर दिया था, तो एक एम्बुलेंस थी जो बाहर खड़ी थी HR 64A 7274, तो इनके साथ साहिल ने संपर्क किया तो वो गाड़ी लेके आ गया यहाँ पर, उसकी गाड़ी में इस लड़के वो जब चंडीगढ़ के लिए चले तो पेहवा के पास जाने के बाद उसकी गाड़ी का जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो ख़त्म हो गया, तो इन्होंने काफ़ी कहा उसको भाई गाड़ी को वापस मोड़ लो, तो नहीं माना, गाड़ी को चलाता रहा, लेकिन उसमें दूसरा जो सिलेंडर था वो भी खाली था, तो उसने लापरवाही की है इसकी। तो किस तरह की कार्रवाई है? तो जो कानूनी कार्रवाई करने लग रहे हैं जी। तो क्या इन्होंने कंफर्म नहीं किया था स्टार्टिंग में? नहीं, स्टार्टिंग में इन्होंने ना इन्होंने देखा ना उन्होंने देखा। तो
तो गाड़ी में जैसा कि हमने भी देखा है बहुत सी चीज़ें हैं की कमी है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, टूल बॉक्स बना रखा जी, जी। और उसके अलावा गाड़ी की जो खिड़की है वो भी नहीं बन, क्या इस तरह की चीज़ों को देखते हुए उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल होना चाहिए? बिल्कुल, जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी बिल्कुल। क्या नाम है जी? तरसेम कुमार जी। तो बच्चे की डेथ कब हुई और अब क्या कार्रवाई थी? हम जब हमारे इसने पता करे, हम उनको हॉस्पिटल में आए, तभी एम्बुलेंस वहाँ से उनके से फ़ोन नंबर लेके एम्बुलेंस बुलाई, तो वो आया तो बोले, हम बोले भाई पैसे कितने हैं? 2800 में किस बात के? नहीं ऑक्सीजन के है, तेरी में ऑक्सीजन है नहीं? बिल्कुल है। तो वहाँ से गाड़ी कर दी, मैं साथ नहीं था लेकिन ये गए, तो इन्हें बाद में रास्ते में लगा ऐसे ऐसे ऑक्सीजन ख़त्म होगी, तो उन्हें भाई ने बड़े भाई ने फ़ोन भी करे उसके पास जिसकी एम्बुलेंस थी, ड्राइवर उसका फ़ोन नंबर, बोले आप मूर्ख हो भाई, ये गाड़ी करी है आपने, तो उसकी ये वर्डिंग है। हम ये चाहते बच्चे की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से? हाँ जी, ऑक्सीजन की कमी कारण ही बच्चे की मौत हुई है। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाई, हमारा तो ये चले गया लेकिन आगे भविष्य में किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, कोई भी एम्बुलेंस वाला ऐसा नहीं करे। तो ड्राइवर का या एम्बुलेंस मालिक का क्या कहना है? एम्बुलेंस मालिक का ये कहना है कि भाई आप मूर्ख लोग हो कि मेरी एम्बुलेंस करी है, तो मूर्ख मैम बोलेगा आपने एम्बुलेंस ली है जो ये करने के लिए है भाई, जो एमरजेंसी है, तो आप एम्बुलेंस क्यों ले रहे हो? तो इसके लिए वर्डिंग है। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर छोड़ के फरार हो गया। हाँ जी, अब क्या कार्रवाई? हमने कार्रवाई होनी चाहिए उसमें पूरी, ताकि भी उस समय कभी ऐसा काम ना करे किसी के साथ। पर्चा दर्ज उसके खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, पर्चा दर्ज उसके खिलाफ, ताकि भी उस समय किसी बच्चे की ऐसी जान नहीं जाए।